हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजनीति में भी अतिक्रमण होने का दावा किया है। उन्होंने नामी पत्रकार, खिलाड़ी और कलाकारों को टिकट देना इसका प्रमाण बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि गंदी कहे जाने के बावजूद आज सभी राजनीति में आना चाहते हैं। पीजी कॉलेज ऊना के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादों को भी छात्रों के साथ साझा किया। राजकीय महाविद्यालय ऊना में गोल्डन जुबली समारोह के दूसरे व अंतिम दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह के अंतिम दिन कॉलेज की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में ओल्ड स्टूडेंट के साथ साथ वर्तमान छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर पंडाल में मौजूद कई स्टूडेंट भी जमकर थिरके। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉलेज समय की यादों को ताजा किया और बच्चों को कहा कि कॉलेज ही एक समय होता है जब खुशी के दिन व्यतीत करता है। मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें ताजा करते हुए कहा कि उस समय हम नेताओं को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज हम भी उन्हीं में से एक हैं। अपने संबोधन में नामी पत्रकार, खिलाड़ी और कलाकारों को टिकट देना राजनीति में अतिक्रमण का प्रमाण बताया। जयराम ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति को गंदी कहे जाने के बावजूद आज सभी लोग इसमें आना चाहते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम नेताओं को ठीक नहीं मानते थे, और आज अफसोस इस बात का है कि आज हम भी उनमें से एक जिनको हम ठीक नहीं कहते थे। ये हमारे समाज की स्थापित धारणा इस बात को मान रखनी चाहिए। बड़ा आदमी है, पत्रकार अच्छा लिखता है, इसको टिकट दे दो, उसको टिकट दे दो। कोई अफसर बड़ा बन जाता है, अफसर बनने के बाद जब रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद जब बोलते कि बड़ा अफसर रहा है, इसको टिकट दे दो, वो भी यहां आता है। कोई कलाकार बड़ा हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर बाद में कहते हैं ये सेलिब्रिटी है, इसको टिकट दे दो। ऐसे करते करते मैं कल मजाक कर रहा था कि जितने एनक्रोचमेंट हमारे शहर में उतनी कहीं और जगह नहीं। गाली सब देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नेता ही बनना चाहते हैं। कोई नहीं बोलता कि नेता बन करके मैं यार मैं नेता नहीं, अपने प्रोफेसर बनना चाहता हूं। हमारी तो गुंजाइश बहुत ज्यादा होती नहीं है। एक बार यहां आने के बाद फिर तो वही काम है।